नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी जो धारा घनत्व है उसकी जो डेफिनेशन है और उसकी डायमेंशन और यूनिट की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि एकांक अनुप्रस्थ काट से अभिलंब की दिशा में प्रवाहित जो धारा होती है प्रवाहित विद्युत धारा धारा घनत्व है कहलाती है। जो हमारे करंट डेंसिटी है उसको हम जे से डिनोट करते हैं और एकांक अनुप्रस्थ कोई हमारे पास अनुप्रस्थ काट है उससे अभिलंब जो हमने अभिलंब खींचा उसकी दिशा में प्रवाहित धारा धारा घनत्व है जे कहलाती है। अब देखिए जो धारा घनत्व है इक्वल्स टू धारा अपॉन क्षेत्रफल, ये हमारा धारा घनत्व है का जो फॉर्मूला उसको हम ड्राइव कर रहे हैं। तो जो धारा घनत्व है जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए, तो धारा घनत्व को हम जे से डिनोट करते हैं धारा आई और एरिया ए। तो विद्युत धारा जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जो हमारी धारा होती है वह अदिश राशि है जबकि जो धारा घनत्व जे है वो एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व चालक के अंदर किसी बिंदु का एक लाक्षणिक गुण है। चालक के अंदर किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर धनावेश के चलने की दिशा में होती है और जो धारा घनत्व है उसकी दिशा होती है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस बिंदु पर जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो रहा वही दिशा होगी करंट डेंसिटी की। तो देखिए हमारे पास जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। अब हम इसका जो यूनिट है उसकी बात करते हैं। तो देखिए जो हमारी करंट होती है जे इक्वल्स टू धारा घनत्व का मात्रक इक्वल्स टू करंट का मात्रक और जो एरिया है क्षेत्रफल उसका मात्रक। तो जो धारा होती है उसका मात्रक होता है एम्पियर और जो एरिया होता है उसका होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एम्पियर इंटू एम माइनस टू, ये इसकी यूनिट हो गई। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन करंट डेंसिटी की डायमेंशन की। तो देखिए जे इक्वल्स टू जो करंट की डायमेंशन होती है वो होती है ए और जो एरिया वेक्टर एरिया की डायमेंशन होती है वो होती है एल स्क्वायर। तो ये ए एल माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो देखिए इस वीडियो में हमने देखा जो करंट है करंट डेंसिटी की जो डेफिनेशन उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशन। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।